अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान से अभी तक पोलियो क्यों ख़त्म नहीं हो सका। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो अपने शिकार को मारता नहीं है, लेकिन पूरी ज़िंदगी के लिए मफलूज कर देता है, नकारा कर देता है, बच्चे को अपाहिज कर देता है, दूसरों का मोहताज बना देता है। खुदा ना खास्ता जब पोलियो असर करता है तो या किसी की को टांग मफलूज हो जाती है, फालज हो जाता है, या दोनों टांगें फालज जदा हो जाती हैं, या बाजू पे असर आ जाता है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी मोर्टेलिटी तकरीबन 0% है, मारता बिल्कुल, इससे बंदा फोत नहीं होता, लेकिन जो है इससे बंदा पूरी ज़िंदगी के लिए मोहताज हो जाता है दूसरों का। एक वक्त था जब पोलियो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा था। एक रिपोर्ट में आता है कि अमेरिकन जो थे वो एटम बम के बाद पोलियो से सबसे ज़्यादा डरते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैक्सीन, इस पर काम शुरू हुआ, लोगों ने इसका इलाज दरियाफ़त करना शुरू किया, वैक्सीन दरियाफ़त, इसकी जो जिसको कहते हैं हिफाजती टीका या हिफाजती कतरे दरियाफ़त करना शुरू किए। तो इलाज तो इसका आज तक भी अभी तक जो है वो नहीं दरियाफ्त हो सका, लेकिन इसकी वैक्सीन दरियाफ्त हो गई। फिर लोगों पूरी दुनिया में इसकी वैक्सीन पिलाई गई, लगाई गई, ऐसा ऐसा पोलियो ख़त्म होना शुरू हो गया। तो आज के अभी तक 2020 में पूरी दुनिया से तकरीबन पोलियो ख़त्म हो चुका है, सिवाय चंद ममालिक के, चंद नहीं कहूँगा बल्कि कुछ एक दो तीन ममालिक में जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिसमें पोलियो अभी तक मौजूद है। आज तक की डेट में पाकिस्तान में 79 पोलियो के केसेस मौजूद हैं। पोलियो पाकिस्तान से अभी तक क्यों ख़त्म नहीं हो सका, इसकी चंद वजूहात आपको बताऊंगा। फिर जो वजूहात हैं उनको बेहतर करने में कुछ अपने जो मुझे लगता है कुछ इकदाम ऐसे करने चाहिए हमें जिससे पोलियो पाकिस्तान से जल्दी ख़त्म हो जाएगा, वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो मुझे लग रहा है इस वक्त जो हमारे ख़ास तौर पे देहातों में जो माहौल है उसके मुताबिक जो मैं कहूँगा पोलियो पाकिस्तान से क्यों ख़त्म नहीं हो सका, वो ये है कि जो हमारी कम्युनिटी है, हमारा मुआशरा है, वो इसको कोई बीमारी समझ नहीं रहा या इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। पुअर कम्युनिटी इंगेजमेंट इसको बोलते हैं कि जब कैंपेन होती है तो वो पोलियो के कतरे पिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं लेते। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है पोलियो के बारे में गलत फहमियाँ, पोलियो की हिफाजती कतरे जो हम पिलाते हैं उनके बारे में गलत फहमियाँ, ख़ास तौर पे देहातों में, अनपढ़ लोगों में या दूर दराज इलाकों में गलत फहमियाँ जो हैं। अब वो गलत फहमियाँ क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और उनको उनका क्या जवाब है वो बताता हूँ। इनका कोई जवाब नहीं है गलत फहमियों का। सबसे पहले जी, पोलियो के कतरे बच्चों को नहीं पिलाने हमने, क्यों नहीं पिलाने जी? पोलियो ये जो कतरे हैं ये खुद पोलियो करते हैं, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है। पोलियो के जो कतरे हैं उनका मैकेनिज्म ये है कि आपके बच्चे के अंदर जाएंगे, वो पोलियो के जो जरासीम हैं उनके खिलाफ आपके जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफियत बढ़ाएंगे। खुदा ना खास्ता कोई पोलियो का जरासीम अंदर जाएगा तो उससे उसको पोलियो नहीं होगा, क्योंकि उसके जरासीम के ख़िलाफ़ कुव्वत मुदाफियत पहले बन चुकी होगी। तो ये पोलियो किसी सूरत में, ऐसी कोई तहकीक, कोई किताब, कोई जो रिसर्च है वो ये नहीं बताती कि पोलियो के कतरों से पोलियो होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पोलियो से दूसरी बीमारियां होती हैं, दूसरी बीमारियों का भी कोई रिसर्च के मुताबिक नहीं है, बल्कि ये है कि पोलियो में एंटीबायोटिक मौजूद होती हैं। दूसरी बीमारियां कौन सी होती हैं? बुखार हो जाता है जी पोलियो से, मोशन हो जाते हैं, खांसी नज़ला हो जाता है, खून नहीं बनता, बीमारियां बढ़ जाती हैं, ऐसा कोई नहीं है। एंटीबायोटिक उसमें मौजूद होती हैं, बल्कि वो और बीमारियों से भी बचाती हैं, तहफ़ फराहम करती हैं। तीसरे नंबर पर पोलियो जी हराम है। खुदा न खास्ता अगर पोलियो हराम होता तो हमारा जो सबसे मुकद्दस जगह है वो मक्का मुकरमा है, वहाँ पे जब भी बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं या पोलियो के हिफाजती वैक्सीनेशन की जाती है। अगर पोलियो की वैक्सीन या पोलियो के हिफाजती कतरे हराम होते तो उससे ज़्यादा और कोई, ये एक मजहबी इशू है, उससे ज़्यादा और कोई मुकद्दस जगह नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमें इसको भी कोई जवाब नहीं बनाना चाहिए।
और पोलियो के जो बारे में नहीं पिलाने की वजह है वो है कि हम पोलियो पिलाने से हमारा तौलीदी सिस्टम मुतासर होता है, बच्चे पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है या ख़राब हो जाती है। तो इस तरह का भी कोई हमने अपनी किताबों में नहीं पढ़ा कि पोलियो से कोई आपका तौलीदी सिस्टम ख़राब हो जाएगा बच्चों का या बच्चों पैदा करने की सलाहियत ख़राब हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और आखिर में जो आजकल के हालात में ख़ास तौर पे कोरोना में ये मशहूर हुआ हुआ है, पोलियो में नहीं बल्कि पूरी हिफाजती टीकों के बारे में हमारे पास भी लेडी हेल्थ वर्कर आती हैं मेरे पास अक्सर कि डॉक्टर साहब आपके इलाके के जो लोग हैं वो बच्चों को हिफाजती टीके नहीं लगवा रहे, क्यों नहीं लगवा रहे जी? डॉक्टर साहब ने रोका है, पहली बात डॉक्टर साहब ने नहीं रोका कि ये कोरोना के टीके हैं। अब ये कोरोना के टीके की कोई हकीकत नहीं है, किसी को कोई डॉक्टर साहब बता रहा है, किसी को कोई हकीम साहब बता रहे हैं, किसी को कोई बता रहा है फलां डॉक्टर ने कोरोना का टीका लगाया, फलां फलां अस्पताल में कोरोना का मरीज़ मर गया टीका लगाने की वजह से, फलां जगह पे मर गया, अस्पताल में नहीं जाना जी कोरोना के टीके लगा रहे हैं। अस्पताल में जब हम टीका को इंजेक्शन ज़रूरी होता है, अब खुदा ना खास्ता हमने दिल के मरीज़ों को या कोई बहुत शदीद जिनको टीकों की ज़रूरत होती है, तब भी कोरोना की जो सिचुएशन थी बहुत शदीद, जब कोरोना से लोग बहुत डरे हुए थे, तब वो टीके जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होते थे तो वो भी नहीं लगवाते थे। तो इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है कि कोरोना का कोई टीका है या वैक्सीन में हिफाजती टीकों में कोरोना का टीका लगा देते हैं। अभी तक हमने ना देखा है ना ही लोगों ने देखा है, ऐसे एक अफवाह फैली हुई है। तो खुदा रहा इस अफवाह से बचें और अपने बच्चों को जितना हो सके जो है वो हिफाजती जल्दी से जल्दी हिफाजती टीके लगवाएं। और अभी पंजाब में खास तौर पे 26 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक मेरे ख्याल में पोलियो कैंपेन हो रही है, जिसमें पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं, उसको पोलियो के कतरे पिलाएं अपने बच्चों को। थैंक यू।